गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू फ्लोट एंड सिंक एक्टिविटी। विच एक्टिविटी? फ्लोट एंड सिंक एक्टिविटी। व्हाट डिड यू मीन बाय फ्लोट और सिंक? पता है आपको फ्लोट और सिंक का मतलब क्या है? फ्लोट का मतलब है तैरना और सिंक का मतलब है डूबना। अब देखिए, जैसे कि अब देखिए मैम के हैंड में क्या है। विच वेजिटेबल इज दिस? पोटैटो। अब मैं इसमें पोटैटो रखूँगी और हम देखेंगे कि ये इसमें फ्लोट होता है या सिंक। द पोटैटो इज सिंक ऑन द वाटर। व्हाट इज दिस? बॉल। ओके, अब मैं बॉल को भी इसमें रखूंगी। बॉल क्या कर रही है? फ्लोटिंग। द बॉल इज फ्लोटिंग ऑन द वॉटर। पानी में क्या कर रही है? वो तैर रही है। ये देखिए। ओके, इरेजर। अब इरेजर को इसमें रख के देखेंगे कि ये इसमें फ्लोट होता है या सिंक। इरेजर क्या हो गई है? डूब गई है पानी में, तो ये क्या है? सिंक। सिंक हो गया इसके अंदर। नेक्स्ट स्पून। स्पून है हमारे पास, स्पून को पानी में छोड़ेंगे। स्पून क्या हो गया इसमें? सिंक। और ये लीफ, लीफ को इसके अंदर रखेंगे तो लीफ क्या हो गया? फ्लोटिंग, पानी में तैर रहा है। ओके, नेक्स्ट मैम के हैंड में ये पेंसिल है। कैन यू गेस इट विल फ्लोट और सिंक? क्या बता सकती है इसमें फ्लोट हो गया सिंक? चलो इसे करके देखते हैं। पेंसिल क्या हो गई है? फ्लोट, पानी में तैर रही है वो। द पेंसिल इज फ्लोटिंग ऑन द वॉटर। और ये ब्लॉक, ब्लॉक को पानी के अंदर छोड़ेंगे। ब्लॉक भी क्या हो गया? क्या कर रहे ब्लॉक? फ्लोटिंग। अंडरस्टूड? अब ये ऐसे ही आप घर पे ट्राई करोगे। जो भी आपके पास, आपके हाउस में जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, उससे आप ये एक्टिविटी करके देखोगे। और फिर मैम आपको एक वर्कशीट देंगे, उसमें आपको टिक करने कि कौन सी चीज़ वाटर में फ्लोटिंग करती है और कौन सी सिंक हो जाती है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।